जय माता दी। मैं अशोक कुमार, चीफ एडिटर माइनॉरिटी न्यूज ग्रुप पाकिस्तान से। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि कराची के जो हमारे पटेल साहिबान हैं, जिसमें बाबूलाल पटेल साहब है, मुकेश साहब और जनरल पटेल साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त यहाँ पर जो पहले कराची हिंदू फाउंडेशन हुआ करती थी, अब वो पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन के नाम से उन्होंने अपने आप को एक नए तरीके से इंट्रोडक्शन करवा दिया है। और आज जो है हमें गाड़ी खासा पंचायत से हमारे बाबूलाल साहब है, उन्होंने और पटेल साहब ने जो है यहाँ पर हमें बुलाया है कवरेज के हवाले से। और सिर्फ कवरेज ही नहीं, उन्होंने ये भी साथ साथ हमें बताया कि हम सारे पटेल साहब जो है हम सब एक है, और कम्युनिटी के जितने भी काम हैं, कम्युनिटी के जितने भी मसले मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए हम लोग हर वक्त कम्युनिटी के लोगों के साथ में और सोशल वर्करों के साथ में। आज उन्होंने हमें ये बताया कि गुरु मंदिर के शिव मंदिर के ऊपर हम सब का इकट्ठा होना शायद ऐसा ही लग रहा है जैसे महादेव ने सबको इकट्ठा किया हो। जय माता दी, जय माता दी। ओके, बाबूलाल सिंह जी, जनरल पटेल, आपकी विनती करो हमारे फाउंडेशन उर्दू आज जितने जो कुछ भी है, ये फाउंडेशन जो आपको संस्था को राशन दे रही है, जो संस्था की बड़ी नवाजिश परम नवाजिश मैं काठगढ़ हरिजन नारेश्वरा का पटेल बाबूलाल मोहनलाल बारिया। ये जो है रॉबिन हुड वाले जो हमारे गरीब कौन को राशन वाशन दे रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान इनको और दें और धन्यवाद देते हैं हम। पर सर कितने बैग राशन आया हुआ है? ये समझो 200 बैग आया हुआ है, 100 बैग यहाँ आया हुआ है, 100 बैग पंजाब कॉलोनी के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ हमारे दीपक भाई परमार जो है ना बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। चलो पटेल साहब, एक मिनट आप होल्ड पर रहिएगा जी। भाई अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मैं मुकेश शिवराज वाणिया, एरिया सेंट्रल वेस्ट पंचायत का पटेल। आज रॉबिन हुड आर्मी जो ये संस्था है, ये हमारी समाज काठियावाड़ी जो एक दरिद्र समाज है उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और ऐसे मुश्किल वक्त में ये खड़े हुए हैं और हम भी इनके साथ उसी तरीके से चाहते हैं कि उनके साथ हम शाना बशाना सेवा करें कौम की, और जो भी हमसे भी हो सका वो आप सबसे पहले तो हम उनका अभिनंदन प्रकट करना चाहते हैं। हम उसको धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये रॉबिन हुड आर्मी जो सेवा संस्था है, हम इनको धन्यवाद करते हैं और हमारी पूरी आशा है कि हम इनके साथ हर तरह से हमेशा कोऑपरेट करें। और हमारे पटेलों का भी साथ साफ ये है कि वो सब चाना बचाना कंधे से कंधा मिलेगा। सर आज वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे पटेल जो है मुझे एक साथ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर सॉरी टू से यू बट कि इस वक्त मौका नहीं, लेकिन फिर भी जगह हम तो प्रेस वाले ना सर, तो आज मौके के हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 99% ऐसा क्यों होता है कि आप लोग जो है पटेल जितने भी हैं वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं या फिर दो जगहों पर हो जाते हैं, इस तरह कम्युनिटी में सर डेवलपमेंट नहीं हो पाती? बिल्कुल गलत है। हम पटेल सब हमारे मदरसे सब एक ही हैं, लेकिन इन लोगों की आपस में कुछ झगड़े चल रहे जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी आज तक किसी पटेलों के साथ बीमारी कोई। तो प्रभु एक बात है ना जनरल पटेल साहब कि अगर ये सारे इस तरह के मामला हो रहे हैं तो इन सारे मामलातों को निपटाएगा कौन? हम लोग ये निपटाएंगे। अच्छा वक्त देख के अभी बहुत सी बातें ऐसी चल रही है, हमारे भाई ने भी हमारे पास माफीनामा भेज दिया है, हर चीज़ हम भी हमारे कोरोना वायरस में तो लोग मर रहे हैं सर, कब करेंगे? कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी पटेलों से मेरी विनती और रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सब बातों को मद्देनजर जाते करके भाई हम लोग एक समाज की सेवा। तो पटेल साहब ऐसा जनरल पटेल होने के नाते क्या आप कम्युनिटी के सारे पटेलों को या सोशल वर्करों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाएंगे? बिल्कुल निश्चय भगवान बिठाएगा, लेकिन मेरी जद्दोजहद ये है कि सर इसमें कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन मालिक ने चाह सब हो जाएगा। और ये बाबू पटेल से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि रिश्तेदारी को एक मद्देनजर रख के एक साइड में रखते हुए पटेलों का साथ साहकार और जनरल पटेल की बात को मद्देनजर रखते हुए सब बस एकता बननी चाहिए बस, ताकि हमारा ये कारवा आगे चल सके। बाबू पटेल साहब क्या आप लोग लगता है आप लोग में एकता है? नहीं नहीं, हमारी तो एकता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मेरी एक जनरल पटेल साहब से रिक्वेस्ट है कि पटेल साहब देखो हम आपकी काबीना हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पटेल लोग आपकी काबीना है, ना कि इधर उधर के जो है आपके साथ जो है वो बैठे हुए हैं। आपके सेक्रेटरी भी हम हैं, आपके चौकी भी हम, आपके पटवारी भी हम हैं, समझा? सारे जितने पटेल हैं वो आपके माता है, तो आप भी थोड़ा अपने आप को हिलाओ तो जो है ना कौन नहीं नहीं हिला भी। और दूसरी बात मेरी आपसे भी विनती है कि अगर कोई मैं आपके पास बात लेके आता हूँ तो एक बाइक मैसेज करके बाबा इसको समाधान कर दें, क्या कह रहा दादा? सही है सर, हम तो अपना ख्याल प्रकट नहीं कर सकते, हम तो न्यूज़ वाले हैं, ठीक है सर? ख्याल तो आप लोग प्रकट करेंगे, तो हमें तो आप लोगों का ख्याल पूछना है। सर एक अर्ज मेरी है कि जो भी
जितनी जाती इख्तलाफात हैं वो अपने घरों तक महदूद रखें। जो हमारा दड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी पंचायत की दड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर तमाम पटेलों को यकमुश्त होकर बैठना चाहिए। और जो जिनका जजाती इख्तलाफ है वो उसको भले वो उसके घर ना आए या इसके घर ना जाए, लेकिन जो दरी के ऊपर जब भी बुलाएं किसी को तो हर पटेल अपने जाती इख्तलाफात को घर में रखे और वहाँ पर हाजिरी दे और कौम के मसले में एक जगह पर खड़े। सर आपको सर आपको लगता है कि पटेल लोग जो एक टाइम पर एक जगह पर जमा नहीं होते? हाँ अक्सर कुछ लोग देखने सर इसमें तो फिर आप भी शामिल है ना? नहीं हम आप पटेल नहीं हो? बिल्कुल पटेल हैं, लेकिन जहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है कौम के मफाद के लिए हम वहाँ एक पैर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। सर कम्युनिटी में इतने सारे इश्यूज हुए हैं, किसी एक जगह को हवाला दे दें? नहीं जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ आएंगे सर। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम माइनॉरिटी न्यूज़ वाले हैं, अगर आप लोग को लेटर दें इन सबको इकट्ठा करने के लिए, तो क्या आप जो है माइनॉरिटी न्यूज़ की कॉल के ऊपर आएंगे? कॉल पर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम तो बोलते हैं गुरु महाराज की बात, आपकी पीड़ा आप लोगों और अच्छी बात है सब आएंगे। बाबू बटे साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं मैं जो है ना इस बात से इस्तेमाल नहीं करता कि हमारे जनरल पटेल बुलाए गए उसके अंदर थोड़ा पावर है ये बात। चलो बहुत अच्छी बात है, समझे? तो जनरल पटेल साहब बुला लेंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और हमारे हौसला अफजाई भी होगी। चलो आज तो बात हो आज नहीं है ना, आज जो है जी जी के बाप ने बच्चे को रात रख लिया ये और हमारा कोई बाबू बटे थे जनरल के भाई भोलेनाथ के दरबार में खड़े, इससे पहले भी मेरे भांजा घर पे होते गया, रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन वाकई हमारा कोई पाई का झगड़ा नहीं है। और ये बाबू भाई बोल रहे हमारे मामा भांजे के, तो कोई बात नहीं। पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओनली फॉर पटेलों को बुलाएं, कहीं भी बुलाएं ओनली फॉर पटेल। पटेल साहब बाबू पटेल साहब आप जाने के लिए तैयार हो? मैं जाने का तैयार हूं। अच्छा सिर्फ फकत पटेल ओनली फॉर पटेल ओनली फॉर पटेल। थैंक यू, धन्यवाद सर जी, जय माता। थैंक यू जी। विजय सर अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन ऑफ अमेरिका जो कि कराची हिंदू फाउंडेशन हुआ करता था किसी टाइम में, अब वो रजिस्टर होकर हो गया है पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की तरफ से। छोटा सा एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया संडे 6 जून की तरफ, जिसके अंदर आज शिव मंदिर स्थानीय कॉलेज की तरफ हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने देखा बहुत सारे बहन भाई ऐसे जो इस पेंडेमिक दौर के अंदर कोविड के अंदर जो अपने हालात से जूझ रहे थे, एक बार फिर हमने पूरी कोशिश की है उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन श्री राज राठौड़ साहब वॉशिंगटन डीसी में होते हैं, उनकी तरफ से कुछ चीज़ हमें प्रोवाइड की गई थी जो आज हम अपने बहन भाइयों में तकसीम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और हम कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जितने बड़े लोग हैं, जितने पटेल जनरल पटेल साहब और बाबू पटेल साहब और अन्य जितने लोग यहाँ पर आ जाएँ हमारे साथ सहायता करने के लिए, हमारे इस काम में योगदान देने के लिए, हम सबका तहे दिल से इसके अंदर स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हमारी जितनी कम्युनिटी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी और दूसरे हम कम्युनिटी के लोगों को गैदर कर सकते थे उनको हमने राशन देने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके विजय भाई, ये पहले जैसे आपने बताया कि जो नाम कराची हिंदू फाउंडेशन हुआ करता था, अब उसका अभी नाम चेंज हुआ है जी, तो इस वक्त क्या नया नाम रखा गया आपका? सर इसका हमने नाम कर दिया, पहले से आप काम कर रहे थे कराची के हिंदू फाउंडेशन के लिए। ओके अब जब हमने देखा कि ज़रूरत बढ़ती जा रही है और हम क्यों कराची तक महदूद हैं, तो हमने इसको कोशिश करके इसको कर दिया है पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। ओके ये वहाँ से रजिस्टर्ड हो चुकी है और अब हम पूरे कराची के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे कि इसको लाए अमल में ला सकें और काम कर सकें। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं दिनेश कुमार सवैया, कराची हिंदू फाउंडेशन की जो हमारी जो तरक्की हुई है पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन ऑफ अमेरिका जो है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन राज भाई राठौड़ जिन्होंने वहाँ पर रजिस्टर करवाई है, हमारी इंटरनेशनल रजिस्टर संस्था है पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन, जो आप पूरा दोनों का देख रहे हैं पाकिस्तान हिंदू फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। हम हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, हमारी गरीब कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है और जो हमारी गरीब के लोग जो जिस जो बेचारे इस कोविड के दौर में जो काम धंधे जो नौकरी पेशा लोग हैं जो बेचारे जो अपने घर के अखराज नहीं कर सकते, उनके लिए हम छोटी सी मदद कर रहे हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। और बस यही हमारा कॉल है, यही हमारा मिशन है कि हम गरीब लोगों के काम आते रहें हमारी कम्युनिटी। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद जी।